दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। एक ट्वीट कर इतना डर गए सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से भाजपा ज्वाइन की है, जाने क्यों वह महाराज से दब्बू टाइप के हो गए हैं। क्या भाजपा में गुलामी सिखाई जाती है? इसके दो उदाहरण मैं बता रहा हूं, उनसे आप समझें। पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी कोई भी बात लिखकर जैसे ही ट्वीट करते हैं, वैसे ही पूरे केंद्रीय मंत्रियों, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों में पीएम का वह ट्वीट वाह वाह लिखकर रीट्वीट करना जैसे पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब यह सबको रीट्वीट करना ही पड़ेगा, बल्कि एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है कि सबसे पहले किसने रीट्वीट किया, क्योंकि ट्विटर विश्व स्तर पर देखा जाता है। तो विश्व के लोग देखें भारत के पीएम मोदी कितने प्रसिद्ध हैं, उनकी बातें कितनी संख्या में लोगों ने रीट्वीट किया है। गुलामी का दूसरा उदाहरण, मध्य प्रदेश के दमोह में कांग्रेस छोड़ भाजपा में राहुल लोधी शामिल हुए। उपचुनाव में भाजपा की तरफ से राहुल लोधी हार गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कई वर्षों से भाजपा के लिए तन मन धन से काम करने वाले 5 मंडल अध्यक्षों को पार्टी से निकाल दिया और कहा कि जो पार्टी का कहना नहीं मानेगा ऐसे ही उसे निकाल दिया जाएगा, ऐसे ही निकाल देंगे। भाजपा कहे वह करो वरना वर्षों की सेवा समाप्त, दुत्कार कर भगा दिया जाएगा। इससे भी समझ ना आए तो सिंधिया से समझे। कल स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी। सिंधिया ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मेरा कोटि कोटि नमन। मगर कुछ ही देर में सिंधिया को यह ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अब आप अंदाज लगाएं उन चंद पलों का, जितनी देर तक वह ट्वीट जिंदा रहा। प्रेशर, भयंकर प्रेशर। थोड़े प्रेशर से सिंधिया मानने वाले तो है नहीं। सिंधिया ने फिर एक नया मैसेज लिखा, आधुनिक भारत के निर्माता राजीव गांधी कैसे हो सकते हैं। यह सिंधिया ने नहीं लिखा, यह मैं बता रहा हूं आपको कि आधुनिक भारत के निर्माता राजीव गांधी कैसे हो सकते हैं। इस समय माहौल एक तरफा चल रहा है, देश में पेड़ों के पत्ते भी हिल रहे हैं तो शायद हवा एक जगह से पेड़ों को मिल रही है। क्या आप अपने स्वतंत्र विचार भी नहीं रख सकते? तो फिर यही तो गुलामी है।